हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुडी मस्ताना। आज हम आए हैं ग्वालियर के ताराचंद जी कचौड़ी वालों के यहाँ। इनकी जो कचौड़ी है ना, वो पूरे ग्वालियर में इतनी फेमस है कि हमने सोचा कि आज हम जाएंगे ताराचंद जी के यहाँ और उनकी कचौड़ी जरूर खा के आएंगे। इनके कचौड़ियाँ तो मिलती ही मिलती हैं, और साथ में मिलता है समोसा जिसमें पनीर भी है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, और इनकी बेड़ी है, और जलेबियाँ देसी की तो भाई साहब दही डाल के देते हैं। इतनी प्यारी जलेबियाँ हैं, इतनी मस्त डिलीशियस जलेबियाँ हैं कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने कहा आज तो मैं जाऊँगा भैया ताराचंद जी के यहाँ और उनकी कचौड़ी समोसे बेड़ी और जलेबी ज़रूर खा के आऊँगा। और भाई आनंद लेते हैं इनकी जलेबी समोसे और कचौड़ी। एक बार नाम बता दें। नमस्कार, मैं सजल गोयल। तो आप बताएं, ये ताराचंद जी की कचौड़ी है उसको कितना टाइम हो गया बनाते हुए? लगभग 40 से 45 साल। किसने चालू किया था ये? मेरे दादाजी ने। आपके दादाजी ने? हाँ। तो कैसे शुरुआत हुई इसकी? कुछ नहीं, ऐसे शुरुआत हुई, उनको खाने पीने का शौक था तो उनने शुरुआत करी अपने काम की। पहले चाट का काम करते थे, यानी कि पानी की टिक्की, आलू की टिक्की, दही बड़ा वगैरह ये लोग बनाते थे। फिर उसके बाद उन्होंने समोसे कचौड़ी बनाना चालू की है। पहले उन्होंने ठेले से शुरुआत करी थी। ठेले से शुरुआत इसी जगह पर करी थी? हाँ, इसी जगह नहीं, सामने लगाते थे। अगर सामने लगा? हाँ जी, तब ये मार्केट नहीं हुआ करता था। अच्छा। तो सामने ठेला लगाया करते थे बाबा जी हमारे। तो खाली कचौड़ी बनाते थे? नहीं, कचौड़ी, समोसे, दही बड़ा और पानी की टिक्की ये सब बनाया करते थे। करेला, पपड़ी चाट वगैरह ये सब बनाया करते थे। तो इनकी कचौड़ी है जो पूरे ग्वालियर में फेमस है। पहले तो शायद कचौड़ियाँ पूरे ग्वालियर में बहुत कम जगह बनती थी, और ताराचंद जी की कचौड़ी तो काफ़ी समय से हम सुनते आ रहे हैं, ग्वालियर में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? वही चीजें हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, बाहर से भी आदमी आता है, पैक भी करा के लेके जाता है काफी आदमी। हमारी कचौड़ी इंदौर, मुंबई, दिल्ली सब जगह जाती है। सब जगह जाती है? हाँ जी। इनमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं किया गया है। और ये गर्मा गर्म जलेबी रेडी हो चुकी है। समोसे का रेट क्या होने वाला है? 15 रुपये का एक पीस है। इसमें कचौड़ी में किस चीज़ की फिलिंग होती है? दाल की फिलिंग, मूंग की दाल की। मूंग की दाल की फिलिंग। और समोसे में क्या क्या रहता है भैया? आलू रहता है भैया, मसाले रहते हैं, धनिया वगैरह ये सब चीज़ें डलती हैं। और ये क्या चीज़ है? ये आलू बड़ा भी है। ये आलू बड़ा है, ये आपने अभी नया चालू किया है? कम क्वांटिटी में। कम क्वांटिटी में, मतलब अपनी जो सेल है मेन, वो समोसे कचौड़ी बेड़े की? समोसे कचौड़ी बेड़े ये सब, जलेबी, मड़की, वही इनकी बेड़े ही है। इसमें बेड़े में जो व्हाइट व्हाइट से दिख रहा है, ये क्या है? दाना पिस्ता, गेहूँ पिस्ता, मोटा आटा पिस्ता दली है। अच्छा अच्छा, तो उसका ये व्हाइट व्हाइट पंसा दिख रहा है, तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। तो बेड़ी वगैरह भी अपने यहाँ 15 रुपये पीस है? सब 15 रुपये। और जलेबी? जलेबी 40 रुपये की सौ ग्राम, 400 रुपये के जी। 400 रुपये के जी। तो जलेबी आपकी देसी घी की होती है? हाँ जी भाई, अगर जलेबी देसी घी की हो और साथ में दही मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। मुझे तो बहुत पसंद है, अगर आप लोगों को भी पसंद है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और ये इनकी आलू की सब्ज़ी है, काफ़ी ठीक है। किस चीज़ में डालते हैं भैया? आलू की बनती है, मसाले और क्या क्या रहता है? आलू रहते हैं, मसाले रहते हैं, मटर डलती है। अच्छा, बिना लहसुन प्याज का? बिना लहसुन प्याज का, प्योर वेज। प्योर क्या सब्जी उधर से? और साथ में रहती है ग्रीन चटनी जो कि धनिया की बनाई जाती है, और ये अमचूर की चटनी है ना, अमचूर गुड़ की? हाँ, अमचूर गुड़, मसाले मसाले वगैरह। हमारा लगने जा रहा है एक समोसा, इसमें भी गर्मा गर्म सब्जी, चटनी, और ये हो गया रेडी। भाई ये आ गया है हमारा गर्मा गर्म समोसा, अभी तो बहुत गर्म है, इसको होने देते हैं पहले थोड़ा सा ठंडा। भाई मैं लेता हूँ एक समोसे की बाइट और आपको बताता हूँ उनका समोसा कैसा है। समोसा काफ़ी दमदार है, इसमें जो मसाले हैं ना उनका इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा है, मतलब तो गर्म मसाले का और जो अदर मसाले हैं वो अलग से ही बोल रहे हैं। देसी की जलेबियाँ मिल जाए खाने के लिए तो भाई मुझे तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। भाई मेरा तो दिल खुश हो गया, जलेबियाँ इतनी क्रिस्पी हैं और साथ में दही के साथ में तो कुछ इतना मज़ा आ गया कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझे तो पसंद आया, अगर आपको भी खाना है इनका समोसा या कचौड़ी या जलेबी तो
तो आप आ जाइए एक बार, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। डीबी मॉल के सामने होटल सफारी के नीचे, तारकन कचौड़ी वाले स्टेशन बजरिया ग्वालियर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करें सब्सक्राइब, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।